नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड की राजधानी रांची से सनसनीखेज मामला सामने आया है। धुरवा इलाके में दो युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी बात यह है कि पहली पीड़िता को छोड़ने के लिए अपराधियों ने ये शर्त रखी कि अपनी सहेली को बुलाओ तभी जाने देंगे। फिर उसकी दोस्त के आने पर उसके साथ भी दरिंदगी की गई। 29 साल की युवती का उसके पति के साथ विवाद चल रहा था। वो अपने ननद के घर आई हुई थी। गुरुवार देर रात उसकी ननद ने उसके पास के ही एक युवक अविनाश के साथ उसे घर भेज दिया। रास्ते में अविनाश की नियत खराब हुई। वो उसे धुरवा थाना क्षेत्र में सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ रेप किया। उसके बाद उसने अपने 5 और दोस्तों को वहां फोन करके बुलाया। अमित बोड़ी, सुजीत सिंह, श्रवण सिंह, राजेश यादव और रवि ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। युवती ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि गैंगरेप के बाद भी आरोपी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उसके सामने शर्त रखी कि अपनी एक और सहेली को बुलाया तो तुम्हें जाने देंगे। उसने बताया कि वो डर गई थी कहीं वो उसे जान से ना मार दे। उसने अपनी एक दोस्त को फोन किया और कहा कि मैं कहीं फंस गई हूँ, तुम मेरी मदद के लिए आओ। उसकी सहेली जैसे ही वहाँ पहुँची, सभी आरोपियों ने मेरे सामने ही बारी बारी से उसके साथ भी रेप किया। इसके बाद सभी आरोपी दोनों को डरा धमका कर वहाँ से चले गए। जैसे तैसे दोनों थाने तक पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए। आनंद फानंद में टीम का गठन किया गया। शुक्रवार की सुबह होते होते 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी रवि के लिए छापेमारी की तलाश जारी है। दोनों युवतियों को मेडिकल टेस्ट के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।